बाबा उसको हेलो गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज योर फ्रेंड अमोनी राय। और गाइज यहाँ पर है मेरी माँ जो चल रही है मेरे आगे आगे, और माँ बोल रही है कि ये जो ट्री है वो है एवोकाडो का। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा हमारे खेत में। हम लोग खेत भी बोल सकते हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं हम लोग अभी। सो यहाँ पर है मेरी डॉटर जो डिज़ाइन करके वो फ्लावर्स से लगा रही है अपना ईयरिंग्स। सो गाइस इसे बहुत पसंद है, ऐसा नेचुरल चीज़ है। सो हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे फार्म और खेत जो भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ के वार्ड में बोलते हैं बारी। सो हम लोग जा रहे हैं अपने खेती बारी देखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूँ गाइस, हम लोग अभी कुछ भी नहीं करते हैं फार्मिंग, क्योंकि जब हमारे फादर थे तभी हम लोग करते थे ढेर सारे। हम नहीं, मेरे फादर स्पेशली, क्योंकि मेरे मदर करती है जॉब हॉस्पिटल में, तो मेरे फादर ही थे एक जो करते थे फार्मिंग। सो यहाँ पर है पपाया जो मैं अपने बेटी को बोल रही हूँ कि फीमेल पपाया ऐसा होता है और मेल पपाया ऐसा, क्योंकि मेल पपाया फ्रूट नहीं देते। तो मैं साइंस के भी कुछ नॉलेज दे रही हूँ मेरे बेटी को जाते जाते। और इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर दूसरे विलेज में पहुँच गए हम लोग चलते चलते। सो गाइस दिवाली का मौसम है और मैरीगोल्ड, ये है मेल मैरीगोल्ड। सो अभी इतना धूप लग रहा है मुझे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छतरी ले लूँ। सो माय डॉटर इज़ हेल्पिंग मी, यहाँ पर देख सकते हो। और अभी हम लोग घर से निकले हुए शायद हो गया है 10 और 15 मिनट्स, क्योंकि हमारे घर है उस साइड। सो हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं घर से लेकिन घर नहीं दिखता है फॉरेस्ट की वजह से। और मेरे डॉटर को मिला है एक फ्लावर ज़मीन पर। सो ओवरऑल हमारे पीछे पीछे आया था दो डॉगी, पता नहीं कहाँ से लेकिन आया था ज़रूर। सो हम लोग यहाँ से भी वॉक कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला रास्ता मिल चुका है हमें, हालांकि ये पीच नहीं है, फिर भी यहाँ पर आते हैं गाड़ी। सो यहाँ डॉटर पी रही है कोक क्योंकि इसको लगा है गर्मी, क्योंकि ये भाग रहे थे जोर जोर से रनिंग कर रहे थे, तो अभी इनको प्यास नहीं मिटी है कोक से, तो इनको फिर पानी ही पीना है लास्ट में जाके। सो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं फिर से अपना वॉकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस। ये बहुत गुड एक्सरसाइज है हमारे फार्म जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 आवर वी हैव टू वॉक। सो यहाँ पर है पीच रोड, अगर हम लोग नीचे से जाते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे सालघारी विलेज में, अदरवाइज हम लोग ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे 5 नंबर एरिया में। सो यहाँ भी है नंबर वाइज एरिया का नाम नंबर। सो ये है 5 नंबर, लोग यहाँ पर 5 नंबर बोलते हैं जो भी यहाँ के जो टी गार्डन में काम करते हैं। अगर वो बोले तो कल काम है 5 नंबर में, तो उन लोगों को आना है ये एरिया में। सो यहाँ पर मेरी माँ मुझे एक्सप्लेन करते हुए ले जा रहे है, और यहाँ पर मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ कर रही थी हमारे लैंग्वेज में। सो ढेर सारा हमारा फ्रेंड्स को नहीं आएगा समझ, इसलिए मैं कर रही हूँ हिंदी में। सो मेरी माँ मुझे क्या बोल रही है कि जो हमारे जो माताजी है, हम जिसे मिलने जा रहे हैं आज, एक्चुअली वो है हमारा मेन मोटिव, उनका फर्स्ट टाइम उसको दर्शन, क्या बोलूँ, इनलाइटमेंट बोल सकते हैं हम लोग सिंपल वे में। तो फर्स्ट टाइम जो उनका वो हुआ था खिंचाव गॉड की तरफ, तो उसका फर्स्ट टाइम यहीं पर हुआ था। और मेरी माँ बोलती है कि ये पेड़ लगाया था मेरे फादर ने, और जो लड़की है छोटी लड़की उसको भी यही हुआ था दर्शन गॉड के फर्स्ट टाइम।
तो ये पेड़ बहुत लकी है सभी के लिए, और ये ढेर सारा आप लोग देख सकते, सेड भी देती है क्योंकि यहाँ पर है टी गार्डन ऑल अराउंड। सो जब भी लोग लेबर लाइक कोई भी आकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ के लीव्स देखकर कि कितना फोर्स से आ रहा होगा यहाँ हवाएं, और ये टॉप में पड़ता है तो बहुत ही सुंदर प्लेस है गाइस, बिलीव मी। और यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे की ओर, रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे छोटे वाले रास्ते से क्योंकि हमारे ये है टी गार्डन। सो यहाँ पर है ग्रीन टी लिप्स और उस साइड है सिक्किम। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं हमारे फार्म, हमारे खेती जो भी बोल सकते हैं, हमारे बारी, वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ पर एक फैमिली रह रहे थे कुछ सालों से। तो क्या हुआ, अचानक से वो छोटी लड़की जो था 9 साल की या 8 साल की, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद हो सकती है 7 साल की, तो उस समय उसको कुछ हुआ था और लाइक रिलीजियस टाइप का चीज़, और उसके बाद ऐसा मिराकल्स हो गया कि यहाँ पर जितने भी लोग आते थे, अगर बीमार हो या कुछ भी हो तो सभी को वो हील कर देते थे, और कोई लाइक डिप्रेशन लाइक मेंटली इलनेस ऐसा भी बहुत सारे केसेस आए थे, और हमारे जो यहाँ के माताजी है उसने सभी को हील कर दिया था। तो सारे लोग बिलीव करते हैं, और मेरी बेटी को दिखा ही गया मैं ऊपर एक पीकॉक, एक नहीं 2 पीकॉक, और ये जायज़ है क्योंकि ये है फॉरेस्ट एरिया में, यहाँ पर ढेर सारा ग्रीनरी है, तो पीकॉक डियर रैबिट और वाइल्ड पिग्स ये सारे चीज़ यहाँ पर आना जायज़ है। हम लोग बिल्कुल भी शॉक नहीं होते अगर हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद क्या बोलती हूँ गाइस, यहाँ से भी हम लोगों को वॉक करना होगा कुछ दूर। और हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब स्कूल टाइम में जब हम स्कूल जाते थे और वीकेंड के समय पर हमारे फादर हमें ले आते थे यहीं पर इसी खेत पर, क्योंकि मेरे फादर थे फार्मर, और एक्चुअली वो था इंडियन आर्मी में, और उसके बाद उसने ये सारा प्लेसेस ले लिया, खरीद लाइक पता नहीं खरीद लिया या क्या कर लिया, लेकिन वो रिज़ाइन देके आ गए, और उसके बाद उसने ये थोड़ा थोड़ा करके ये स्टार्ट किया। और मेरी माँ बोल रही है कि ये जो पीपल का पेड़ देख रहा है वो भी मेरे फादर ने ही लगाया था, और ढेर सारे ऐसे चीज़ें हैं मेरे फादर की, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और गुड काइंड, क्या बोलूँ, इतना अच्छा था मेरे फादर, आप पूछ सकते हो किसी को भी, उसका कुछ अलग ही था मेरे फादर का हैबिट्स, और उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था लेज़ी पीपल। और मेरे डॉटर को सडनली मिलता है कुछ, और वो बोलती है कि ये शायद होगा पीकॉक का विंग्स, पता नहीं। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा फिर से वॉकिंग। यहाँ से हम लोगों को जाना होता है नीचे वाले एरिया में, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है बिल्कुल नीचे, नीचे डाउन जाना होता है हम लोगों को। तो चलते वक्त वेरी केयरफुल, सावधानी बरतनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हुआ है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज स्लीपरी भी हो सकता है। और यहाँ पर भी है यहाँ इलायची लाइक कार्डमम जो लगाया है मेरे फादर ने, और यहाँ पर है बनाना का ट्री। सो जब हम लोग छोटे थे गाइस तो हमारे फादर इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले आते थे यहाँ से, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा, तब हमारे वेराइटीज़ की बहुत वेराइटीज़ की बनानाज, और यहाँ पर है ऑरेंजेस, सो ढेर सारा ऑरेंजेस, ढेर सारा जितना भी फ्रूट्स है मेरे फादर ने सब कुछ लगाया था, और वो चाहते थे कि हम लोग सब हेल्दी खाए और हेल्दी रहे, ऑर्गेनिक, और हमें पता नहीं था उस समय ऑर्गेनिक क्या होता है, लेकिन अभी लगता है कि हाँ वही असली चीज़ है, क्योंकि मेरे फादर बोलते थे ये ओरिजिनल चीज़ है, आपको समझ आएगा 20 साल के बाद। अभी ऐसा ही है गाइस, अभी हमें लगता है अभी हम मैच्योर हो चुके हैं, और लगता है कि मेरे फादर ही वॉज वेरी राइट। और हमारे यहाँ पर घर पहुँच गए हम लोग, और यहाँ पर है एक छोटा मंदिर जो है ओपन मंदिर, और यहाँ पर है ये घर, ये घर भी मेरे फादर ने बहुत 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 साल पहले बनाया था, और ये है
कुछ लाइक कॉटेज टाइप, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नहीं रहते थे उस टाइम, सिर्फ जब यहाँ पर फादर फार्मिंग करने आते थे तो रेस्ट करते थे यहाँ पर और उसके साथ लंच करते थे। और यहाँ है फैमिली जो रहते अभी यहाँ पर, सो बाद में मिलाऊंगी आप लोगों को सारे फैमिली से। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ग्रीनरी, कितना पीसफुल एरिया है यहाँ। और जो ये छोटी लड़की है वो है मेरी बेटी की फ्रेंड, और बहुत सालों के बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे तो वो लोग बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे बोले नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ। सो ये है, और इसके साथ साथ यहाँ के जो फैमिली मेंबर है, यहाँ पर है एक छोटी लड़की लेकिन वो नहीं रहती, यहाँ सिर्फ घूमने के लिए है आज। और यहाँ है सुलोचना जो है छोटी लड़की, और यहाँ है फादर, और चंद्र है फादर का नाम। और ये छोटी लड़की यहाँ पर सिर्फ गेस्ट बन के आई है आज। और ये है यहाँ के वाइफ जो है मम्मी घर के, और उसके साथ साथ हम लोग स्पेशली यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आए हैं गाइस। और ये जो टेंपल है, ये टेंपल है सार्वजनिक लाइक ओपन टेंपल, क्योंकि मेरे फादर ने इस टेंपल को बनाने के लिए ढेर सारा कलेक्शन डोनेशन लिया था ढेर सारे प्लेसेस से चंदा बुक बना के, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि अगर हम लोग सिर्फ अपने आप से बनाए तो ये सिर्फ हमारा पर्सनल मंदिर होगा, लेकिन अगर हम डोनेशन उठाते हैं तो ये होगा कंट्रीब्यूशन सारे लोगों का, और ये होगा सार्वजनिक लाइक कोई भी आ सकता है, कोई भी दर्शन कर सकते, इस टाइप के चीज़, इस टाइप का मोटिव लेकर मेरे फादर ने बनाया था। और यहाँ पर पूजा कर रही है मेरी माता जी, और यहाँ पर है छोटा सा शिवलिंग जो हम लोग जल चढ़ाएंगे अभी। सो गाइस अगर आप भी कहीं ये वीडियो देखते हो तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हो। और यहाँ पर है प्योर क्लीन वाटर जो है 24 आवर्स फ्लोइंग। और यहाँ है बी हाउस, तो पहले मेरे फादर के टाइम पर ढेर सारा बीज होता था, अराउंड 30-40 बॉटल्स वो निकालते थे वन टाइम पर। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, फीलिंग सो बैड, लेकिन क्या करें, यही है लाइफ, आगे तो बढ़ना है। और हमारे लिए यहाँ पर लंच भी बना दिया था, पता नहीं था हम लोगों को लेकिन ऑलरेडी बन चुका था जब हम लोग यहाँ पर आए थे। और ऑल ओवर द फूड वॉज वेरी टेस्टी, क्योंकि ये सब प्योर वेजिटेरियन। यहाँ पर लहसुन कुछ गार्लिक भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, माता के यहाँ पर है कृपा, तो हम लोग यहाँ कुछ ऐसा नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, और हमें पसंद भी नहीं है यहाँ आते हुए ऐसा खाना। सो हम लोग रेडी है खाना खाने के लिए। सो गाइज यही है जो प्लेस हम लोग जन्नत बोल सकते, इतना पीसफुल और फूड भी इतना टेस्टी था आज। सो ये है अपर वाले रूम, जो किचन था वो था नीचे, और ये है अपर वाले एरिया, और यहाँ से बहुत अच्छे व्यू दिखते। यहाँ पर है स्कूस, अवोकाडो, मोरिंगा, ढेर सारे प्लांट्स है यहाँ पर, और यहाँ से सीधा व्यू कंचनजंगा की ओर दिखता है अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ठंड रहता है। सो गाइस अभी ठंड भी हो चुका है, जब हम लोग आए थे तो बहुत गर्म था इसलिए हम लोगों ने गर्म कपड़े भी लेके आए थे। सो गाइस हम लोग जाएंगे अभी घर वापस, क्योंकि आज है लक्ष्मी पूजा दिवाली, तो घर जाके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके हम लोगों को पूजा भी करना है, क्योंकि फायर क्रैकर्स हम लोग नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि आज इस साल हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हमारे फादर को गुजरे हुए 10 मंथ हो चुके हैं अभी, तो एक साल के लिए हम लोग ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे और नहीं करना भी होता है एक साल के लिए। सो दिस इज़ आवर रिचुअल्स, एंड गाइज विश यू अ हैप्पी दिवाली। जब तक मैं ये पोस्ट करूँगी तो देर भी हो जाएगा, दिवाली फिनिश भी हो जाएगा शायद, सो मंदिर का वजन भी सुनाई दे रहा है। सो गाइज टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।